भाई ये है गर्मा गर्म इमरतियाँ मीठी मीठी। सब्जी का जो टेस्ट है वो ग्वालियर के अंदर कहीं पर भी नहीं है। अच्छा भाई गर्मा गर्म आलू की सब्जी है भाई। एक बार एक क्राउड देख लीजिए आप कचौड़ी खाने के लिए, यहाँ पे सुबह से भीड़ लग जाती है दोस्तों। राम राम जी, स्वागत है आपका फूडी स्टैंड पर। दोस्तों ग्वालियर की सबसे फेमस कचौड़ी खाने के लिए हम आ चुके हैं छोटे लाल जी के पास। ये क्राउड एक बार देख लीजिए भाई, ये सुबह 6-7 बजे से इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे यहाँ की कचौड़ी खाने के लिए। यहाँ की कचौड़ी फेमस है, यहाँ का समोसा फेमस है, यहाँ की बेड़ा ही फेमस है। तो और साथ में कॉम्बिनेशन रहता है इमरती के साथ, तो पूरा कॉम्बिनेशन लेंगे, ट्राई करेंगे, आपको टेस्ट करके बताएंगे। एड्रेस है पतंगर बाजार है, चौराहा है। ये पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इमरतियाँ बन रही हैं। यहाँ पे आइटम आप देखिए कचौड़ी है, समोसा है, बेड़ई है, इमरती है, जलेबी है। जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको इमरती ज़्यादा पसंद है या जलेबी। सर ये तो मैं कैसे रिफाइंड ऑयल में रहती होगी ना? नहीं सर, डालडे में रहती है। डालडे में रहती है, ठीक है। साथ में इधर देखिए ये पूड़ी बन रही है। ये बेड़ा ही है। अच्छा अच्छा एक्चुअली आगरा और ग्वालियर वालों को पता होगा बेड़ा ही का, दिल्ली वाले से पूड़ी समझते हैं। और यहाँ पर भाई बेड़ा ही बन रही है अपनी, बड़े साइज़ की बेड़ा ही है, पूड़ी के बराबर है नियरली। और सर इसके अंदर क्या रहती है, बेड़े के अंदर भी मसाला रहता है क्या? दाल है, वो भी उड़द दाल की, ठीक है। ये दिखने में लग रहा है दुकान काफ़ी पुरानी है, कितना टाइम हो गया वो दुकान को? लगभग 65 साल के आसपास। 65 साल, सही है। उसके अंदर से आप दुकान का एक बार लुक देखेंगे ना तो थोड़ा ऐसा ही लग रहा है कि बहुत टाइम से चले आ रही है दुकान। गर्मा गर्म बेड़ा ही, चौथी पीढ़ी चल रही है। अच्छा बढ़िया। और अंदर आंटियाँ वगैरह भी काम कर रही हैं यहाँ पे? वो ताई जी हैं, वो ताई जी हैं, मालिक हैं वो। अच्छा मालिक वही है। अच्छा परिवार के लगे हैं, कोई मतलब बाहर का नहीं है? बाहर का कोई नहीं है, सब परिवार के ही हैं। बहुत सही सर, जैसे आपने बताया ताई जी मालिक हैं यहाँ पे, तो सब करके ही हैं ये अपने। अच्छा चाचा है अपने, ये भैया है अपने। इससे बढ़िया मैं कहूँगा कि बढ़िया फैमिली जो दिखती है ना, ऐसे रिलेशन होने चाहिए भाई, सारे साथ बैठ के काम कर रहे हैं। और ये मैदा और उड़द दाल रेडी हो गई है, पूरी तैयार, और इमरती भी तैयार होने वाली है। दोस्तों हम सबको एक नॉन ग्रीसी क्लीन और एक रिफ्रेश फेस चाहिए, लेकिन भाई इतनी गर्मी में और इतनी पॉल्यूशन की वजह से जो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से पिंपल्स, एक्नेस, इसकी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक हेल्दी स्किन के रूटीन फॉलो करें और एक्सेस ऑयल से छुटकारा पा सकें, जिससे कि हमारी स्किन और ज़्यादा रिफ्रेश्ड और हेल्दी दिखाई दे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मामाअर्थ हमारे लिए लाई है विद ऑयल फ्री फेस वॉश एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के साथ। दोस्तों जो हमारा ऑयल फ्री फेस वॉश है इसके अंदर एप्पल सीडर विनेगर है जो कि स्किन को इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव द स्किन अपीयरेंस बाय रिफ्रेशिंग इट। साथ में सैलिसिलिक एसिड है जो कि अनक्लॉग करता है पोर्स को एंड एक्सप्लॉइट द स्किन जेंटली प्रिवेंटिंग बैकहेड्स एंड ब्रेकआउट्स। एंड इसमें नियासिनमाइड भी है जो कि एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3+ है। नियासिनमाइड रिड्यूसेस एनलार्ज पोर्स एंड रिड्यूसेस एक्ने मार्क्स इफेक्टिवली, एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्ने ब्रेकआउट्स, और आपकी स्किन और ज्यादा ग्लो हो पाएगी। एंड अब है इस स्किन केयर रूटीन का सेकेंड प्रोडक्ट जो कि है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसके अंदर भी आपको एप्पल सीडर विनेगर मिलता है जो कि आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, आपकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करके उसको रिफ्रेश करता है। एंड द अदर इंग्रेडिएंट इज बीटेन। इट हेल्प्स स्किन रिटेन इट्स नेचुरल मॉइस्चर एंड रिड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस। और दोस्तों मामाअर्थ का एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो कि है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। अब इस इनिशिएटिव के तहत आप जब भी मामाअर्थ से कुछ ऑर्डर करेंगे इनकी वेबसाइट या फिर इनके ऐप से, तो भाई ये आपके ऑर्डर को एक पेड़ के साथ लिंक कर देंगे जो कि प्लांट करते हैं। एंड 2025 तक मामाअर्थ का एम है 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। वैसे तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लाइक नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे अवेलेबल है, लेकिन एक इनका खुद का ऐप है जो कि एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा इनकी सेल्स का। और ऊपर से आप हमारा फूडी स्टैंड का कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड वैलिड रहेगा इनके ऐप और इनकी वेबसाइट के लिए, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाइए और इनका ऐप को डाउनलोड करिए। बाकी सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को मजा लेते हैं। नमस्कार आंटी जी। अच्छा सही, आंटी जी आप क्या बना रहे हैं इधर?
बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं और कचौड़े भी आप ही तैयार करते हैं। अच्छा, बताइए मसाले में क्या क्या डालते हैं, क्या क्या है मसाले हैं इसमें? अच्छा, क्या क्या आलू है उसके अंदर, लाल मिर्च, क्या क्या मसाला है? सौंफ है, गरम मसाला है, हींग है, सब है। सही है। और ये कचौड़ी वाला है, ये मसाला आलू में मिक्स करते हैं, यही वाला मेन मसाला है। सही है। तो पता चला कि आप यहाँ पे ओनर हैं, आप ही संभाल रही हैं सब कुछ यहाँ पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक बार सामने देख लीजिए, वो समोसे तैयार हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ क्या बिकता है? समोसे ज्यादा खाते हैं लोग, कचौड़ी ज्यादा खाते हैं, क्या खाते हैं? समोसे भी खाते हैं, कचौड़ी कम खाते, समोसे ज्यादा खाते, समोसे ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ का समोसा भी ट्राई करेंगे, कचौड़ी भी ट्राई करेंगे। लेडीज का काम इधर है और जेंट्स का पूरा काम इधर है, और क्राउड भी इन्होंने इतना ज्यादा जमा कर रखा है, आप देख ही सकते हैं। और गर्मा गर्म समोसे आ चुके हैं, वो जाएंगे सीधा कढ़ाई में। भाई भर के कढ़ाई में समोसे बने जा रहे हैं, क्वांटिटी तो भाई बिन भाई कमाल की यार, मतलब एक बारी में 200 समोसे बन रहे हैं यहाँ पे। और भाई समोसे भी अपने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, 100-200 समोसे एक बारी में बनते ही बनते हैं। हल्के से छोटे साइज के समोसे लेंगे, मज़ा आपको आएगा आलू की सब्जी के साथ। पचास की छोड़ी दुबई? अरे क्या बात, वही वही सब जगह मतलब ले जाते कचौड़ी वगैरह। अच्छा, छोटे लाल जी यहाँ वर्ल्ड फेमस हो रहा क्या? और भाई ये है गर्मा गर्म इमरतियाँ, मीठी मीठी आप देख ही सकते हैं, मतलब मीठा देख के ना मन अपने आप ही थोड़ा सा विचलित हो जाता है। और ये देखिए भाई गर्मा गर्म आलू की सब्जी है, मेरे ख्याल से प्याज लहसुन तो नहीं डलता होगा ना, बिना प्याज लहसुन की सब्जी है पूरी, कोई यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ ही नहीं हो रहा, बस एक पैकिंग में एक पॉलीथीन यूज़ हो रही है, लेकिन बाकी सारा काम बिना प्लास्टिक का है। अंदर हमें देखेंगे आलू और ये मिर्च वगैरह दिख रही है, लाल मिर्च। ये देखिए, ये मैं सर्विंग कर रहा था आपको, सब्जी रहेगी साथ में चटनियाँ रहेंगी दोनों। दोस्तों हमारे साथ शर्मा जी हैं, जो कि भाई बड़े ही पुराने कस्टमर हैं इनके, छोटे लाल कचौड़ी वाले के। 28 साल पुराना, कॉलेज लाइफ में भी मैंने खाए हैं। अच्छा। हाँ, टोटल गरम खाना में गरम मिलता है। हाँ। सब्जी का जो टेस्ट है वो ग्वालियर के अंदर कहीं पर भी नहीं है। अच्छा। इसके मुकाबले मतलब मैं कहता हूँ बरसात होने दो तो आप यहाँ लेने के लिए आपका लाइन लगानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे 4-5 आइटम मिलती है, आपकी फेवरेट आइटम क्या है? फेवरेट आइटम मेरी समोसा और बेड़ी है। बेड़ी, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आज हम ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो ये आ गया भाई समोसा, ऊपर से आलू की सब्जी, साथ में हरी चटनी और ये लाल चटनी। बड़े थोड़ा सा रोल लाइए सर, ये खाएंगे हमारे फिने भाई। फिने भाई एक आ गई हमने सिंगल बेड आई, साथ में आलू की सब्जी। बेड़े ही हमने आगरा में खाई थी और बड़ी ही ज़बरदस्त थी, देवी राम जी की खाई थी हमने। हाँ जी सर, दाऊजी वाली। अच्छा, मुझे देवी राम भी ज़्यादा पसंद है, समोसा खाना दाऊजी वाले का। अच्छा, तो मज़ा आ जाएगा आपको। चलो तो अगली बार दाऊजी की खाएंगे। तो गाइस हमने ले लिया है, एक हमने बेड़े ही लिए है, साथ में एक समोसा लिया है। अच्छा, यहाँ पे सिंगल सिंगल आइटम की प्राइस है 10 रुपये। प्राइस मुझे बढ़िया लगा, इनकी सर्विंग देखो यार, ये पत्ते में जो डाल के देते हैं ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। आइए विनय भाई स्टार्ट करते हैं, अगर आप पैकिंग नहीं करवाते ना तो यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ ही नहीं होगा। भाई स्पाइसी सब्जी है, मीठी चटनी डालते हैं। हाँ, सब्जी स्पाइसी है, मसालेदार है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर से मीठी चटनी और हरी चटनी, या तो शायद हरी चटनी ज़्यादा स्पाइसी है क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा डाल दिए इन्होंने। समोसा भी एक नंबर, सब्जी ठीक है, हरी चटनी ज़्यादा स्पाइसी कर रही है, मज़ेदार। पर मसाले भाई इनके बिल्कुल वैसे हैं कि गला साफ हो जाए। पर अरे बेड़े ही नहीं लग रही यार, ये पूरी लग रही है। थोड़ी क्या है ना, जैसे कम सिकी हुई लग रही है मेरे को। अच्छा, ये लाइट कलर है। हाँ, अगर मैं आपने देखा था डार्क था बिल्कुल, और क्रिस्पी ज़्यादा थी, ज़्यादा थी, और साइज़ भी इतना बड़ा नहीं था, नॉर्मल साइज़ था, कचौड़ी की तरह साइज़ था उसका। ये मुझे पूरी पूरी ही लग रही है, तो पूरी समझ के इसको खाइएगा, बट स्वाद में कोई कमी नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा मसाला खाने वाले हैं तो ये ज़रूर आपको कंसिडर करना चाहिए, थोड़ी कम मसाला खाने वाले को स्पाइसी लग सकती है।
बट बहुत बढ़िया, कोई प्याज लहसुन का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता। हाँ भाई, गरम गरम तीखी हमने बेड़ा ही और सब्जी ले लिया, तो एक मीठे में बनता है यार, उनकी मर्जी ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। दो इमरती लेते हैं भाई, कड़क दिए कड़क है ये लाल लाल। सर गर्मी में भी आपने इतनी भीड़ यहाँ पे लगा रखी है, ठंड में तो पूरा कवर कर लेते होंगे आपको यहाँ पे, है ना? तो पानी पड़े आगे तो आपको टाइम मिलो, आप वहाँ खड़े मिलोगे आप पीछे। अच्छा, फिर हमने साथ में इमरती ले ली है जो कि पूरा कॉम्बिनेशन बनाती है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, कचौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो इमरती आपको लेनी ही पड़ेगी, ये रिवाज है यहाँ का। चलिए मैं टेस्ट कर रहे हैं, 160 रुपये किलो है इमरती, गरम गरम है। बहुत बिल्कुल क्रिस्पी, पतली और जूसी। ज़्यादातर इमरती ना बना के ही रख लेते हैं, लेकिन यहाँ हर चीज़ जो है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आपके सामने तैयार होती है, कुछ भी चीज़ यहाँ रखी हुई नहीं होती। टेस्ट बढ़िया यार। ग्वालियर आते हैं यहाँ का खाना खाए बिना जाते हैं, तो ग्वालियर आपने अच्छे से मतलब कवर ही नहीं करा। बहुत बढ़िया,